भाईजान। हाँ क्या हुआ छोटे? भैया ये कुछ पैसे दिए हैं अम्मी ने सदके के, दुकान पे जो भी ज़रूरतमंद आए तो आप दे दीजिएगा उसे। चल मैं दे दूँगा। अच्छा सुन, अम्मी का ख्याल रखा कर, एकेडमी से जल्दी आ जाया कर यार। तुझे पता भी है कितने ग्राहक आ रहे हैं यार कॉटन लेने के लिए। चलो मैं आज उसे फिर फोन करता हूँ। तो ये भी कुछ पैसे रख रहा हूँ सदके के हैं, अगर मैं ना भी हूँ ना कोई मुस्तैक या मजबूर आए तो दे दी। जी ठीक है भाईजान। मैं नमाज पढ़ा। शुक्राने नफल पढ़ने शुरू करते थे, इतनी लेट कर देती नमाज। भाईजान आपने भी तो लेट कर दिया माल इस दफा। पैसे लेने के तो जल्दी जल्दी होते हैं, माल भिजवाने के लिए आप अपनी मर्जी से भेजते हैं। भाईजान सीजन का रश बहुत है ना, उसकी वजह से तुम्हारा माल लेट हो गया। हूँ तो माल आ गया, हूँ तो तुम खुश हो, मेरा चेक क्लियर करो तो मैं जावा। सही है भैया, ये लो चेक अपना। थैंक यू, इतना लेट नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो सदके वाले पैसे किधर गए? दे दिए किसी को? आया था कोई? हाँ भाई, वो मुस्तहिक को दे दिए। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा किया यार। भाई माजरत, मुझे आने में देर हो गई। ऊपर से आपके पैसे भी वक्त पे नहीं दे सका। ये 800 रुपए हैं, 200 आपको मैं कुछ दिनों तक कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं यार, बस मुझे भी जरूरत थी इसलिए करके तुम्हें तंग किया, नहीं तो तुम्हें मैं मजबूर ना करता। भाईजान कहना तो मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मैंने आपसे तनख्वाह ली है, लेकिन अगली तनख्वाह में से 1000 रुपये पेश की मिल जाती तो मैंने जुम्मे को किसी को देने हैं। यार तुझे पता तो है कि अभी माल के लिए पैसे भिजवाए हैं मैंने, अभी मेरा पैसे नहीं है, कुछ दिन रुक जा यार, दे दूंगा। भाईजान दे देते, क्या पता वाकई कोई जरूरत होती उसे। छोटे तुझे नहीं पता, इनको आदत पड़ जाती है, फिर यार तनख्वाह पेश की मांगने लग जाते हैं।